आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। शिक्षा विभाग से संबंधित आज की ताज़ा खबर। वर्ग 1, 2 व 3 में वेतन वृद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक की ओर। आप देख सकते हैं यह है रमेश चंद्र शर्मा अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा। इन्होंने 5 सितंबर 2023 को यह माननीय प्रमुख सचिव महोदय जी को पत्र लिखा है। इन्होंने स्पष्ट तौर पर इसमें बताया है कि जैसे कि अभी आपको पता है वर्तमान में वर्ग 1 व 2, 3 को जो नए नियुक्त शिक्षक हैं इन्हें 70, 80 व 90% की वेतन मिलने का अभी प्रावधान है। यदि यह 70, 80, 90% वेतन का प्रावधान हटता है, डायरेक्ट 70% होता है, तो इससे वर्गीय 2 व 3 की जो वेतन वृद्धि हो जाएगी। विषय नए नियुक्त शिक्षकों को प्रथम वर्ष के बाद नियमित वेतन प्रदान करने के विषय। यह माननीय जी ने लिखा है प्रमुख सचिव महोदय जी को। श्री हेमंत विश्व श्रीवास्तव प्रदेश महामंत्री व मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का पत्र दिनांक 5/9/2023 संलग्न है, जिसमें उन्होंने शिक्षा विभाग के नव नियुक्त 22,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रथम वर्ष 70, द्वितीय वर्ष का पूर्ण वेतन प्रदान करने की घोषणा के आदेश प्रसारित करने का अनुरोध किया है। नव नियुक्त शिक्षकों को प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80%, तृतीय वर्ष 90% वेतन एवं चतुर्थ वर्ष 100% वेतन के आदेश हैं, जिसमें संशोधन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिनांक 12 अप्रैल 2023 को शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम वर्ष 70% वेतन एवं द्वितीय वर्ष पूर्ण वेतन देते हुए पर्यवेक्षावधि 2 वर्ष करने की घोषणा की थी। अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को घोषणा के अनुरूप शासन आदेश जारी करने हेतु अथोचित निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें। यह है कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा प्राप्त है, कैबिनेट रमेश चंद्र शर्मा अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मध्य प्रदेश भोपाल की हैं। इन्होंने माननीय प्रमुख सचिव महोदय जी को पत्र लिखा है जो कि 5 सितंबर को लिखा गया है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।